तीसरी लहर और ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महामारी के चरण दो में हैं, दूसरे चरण में भी कई मापदंड हो सकते हैं, लेकिन आज हम तैयारी करते हैं तभी हम चरण तीन को संभाल सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य को ऑक्सीजन आवंटित करने के बारे में नहीं है, उचित ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत है। वितरण के लिए भी समुचित रूपरेखा होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि अन्य राज्यों को भी देखा जाए। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत आंकने का फॉर्मूला गलत है, फिर भी ये सच है कि पूरे देश के लिए सोचना है। आज अगर हम तैयारी करेंगे तो कोविड का तीसरा फेज आने पर उससे बेहतर निपट सकेंगे। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चिंता की बात है कि तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं, उनमें बच्चे के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए। इसके बाद एसजी तुषार मेहता कोविड से निपटने के लिए बनी कमेटी के बात करने लगे। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी कमेटी बुनियादी बातों को नहीं देख पा रही है। अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या प्लान है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई वैज्ञानिक की रिपोर्ट है कि थर्ड फेज शुरू हो सकता है। अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो माँ बाप क्या से क्या करेंगे? अस्पताल में रहेंगे या क्या करेंगे? क्या प्लान है? तीसरी लहर के लिए मैन पावर कहाँ से लाएंगे? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या हम ऐसे डॉक्टरों की टीम तैयार कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी से इलाज करें? सेकेंड वेव का हैंडल करने के लिए मैन पावर नहीं है, थर्ड वेव के लिए भी हमारे पास मैन पावर नहीं होगा। क्या हम फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर्स और नर्स का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।